गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गुतिया। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो जितने भी फंगाई होते हैं या फंगस जो होती हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होती है, या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स में रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर हम किसी भी फंगाई का या फंगी का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ वेराइटीज दिखती हैं। तो इसीलिए अगर उनमें वेराइटीज इतनी होगी, या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अगर अलग होगी, या उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो डिफरेंस होंगे, तो ऑब्वियसली उनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो भी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनकी हैबिट जो होती है वो अलग होती है। हैबिट क्या होती है कि ये कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल मॉइस्ट वाटर में हो सकते हैं, सॉरी मॉइस्ट सॉइल में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, वुड पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लॉथ्स पर हो सकते हैं, लेदर पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं। तो ये कहीं पर भी प्रेजेंट या एवरीवेयर ये होते हैं। तो अगर ये एवरीवेयर होते हैं, मतलब इनकी हैबिट्स अलग अलग होती है, तो ऑब्वियसली इनकी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो भी डिफरेंस होगी। अगर हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा में अगर उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी है तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि सिमिलर होती है। कुछ पॉइंट्स में अगर हम देखें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की सिमिलर होती है, पर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होती है इनमें जो डिफरेंशिएट इनको कर देती है, या अलग और कुछ और इनके आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म से इनको अलग करती है या डिफरेंट करती है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि जनरली अगर देखा जाए तो जो फंगाई होती है, जो फंगी होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्री मेथड्स के थ्रू होता है, जिनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग वैरायटी के जो फंगी होते हैं वो अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? वेजिटेटिव का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि अगर कोई फंगस है या अगर कोई फंगाई का फिलामेंट है, तो अगर फिलामेंटस जो फंगाई होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका बॉडी का कोई पार्ट या उनके स्ट्रक्चर का कोई पार्ट जो होता है वो अलग होता है, वही पार्ट क्या करता है या वही ऑर्गन क्या करता है, फिर न्यू एक तरह से फिलामेंट फॉर्म करता है या न्यू फंगाई को फॉर्म करता है, तब उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो भी अलग अलग टाइप से होती हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई फंगाई का फिलामेंट है, ये फंगाई फिलामेंट है, और अगर ये फंगाई के फिलामेंट जो होते हैं वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद अगर पर फिलामेंट जो है वो अलग अलग अगर एक तरह से फंगाई को डेवलप करते हैं, अलग अलग फंगाई बनाते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रेगमेंट्स थे वो क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक तरह से उसका वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, तो पर वेजिटेटिव पार्ट ही क्या करता है, न्यू फंगाई फॉर्म करता है, यानी न्यू फंगाई फिलामेंट फॉर्म करता है, तो उसको हम फिर बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देन सेकेंड आती है फीजन। फीजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई फंगाई है या कोई फंगी है, तो फंगी के अगर बॉडी के दो सेपरेट पार्ट अगर हो जाते हैं या सिमिलर पार्ट हो जाते हैं, और दोनों पार्ट क्या करते हैं, न्यू फंगाई फिलामेंट फॉर्म अगर करते हैं या न्यू फंगाई को बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फीजन। फीजन का मतलब यही होता है कि बीच में एक फरो फॉर्म होना और सेपरेट हो जाना। जैसे मान लीजिए ये फंगाई का कोई पार्ट है, ये इसमें हो सकता है यीस्ट में, ये हो सकता है यीस्ट जो होता है वो ऐसे इलेप्टिकल की स्ट्रक्चर होती है, और इसके दो सेपरेट पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं अपने अपने, एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फ्यूजन के थ्रू भी क्या हो जाता है कि दोनों ही पार्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और यही सिमिलर पार्ट क्या करते हैं, न्यू फंगाई को बनाते हैं या न्यू फंगस फॉर्म करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, जो फंगाई होता है फंगाई से एक बड फॉर्म होती है, मान लीजिए यीस्ट में ये फंगस है, और ये फंगस क्या करती है, इसे एक बड फॉर्म होगी, और ये बड क्या होती है, थोड़े टाइम बाद अलग होती है और न्यू फंगस फॉर्म कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, बडिंग। क्योंकि इससे क्या निकल रही, एक छोटी सी बड निकल रही, और यही बड क्या करती है, रिप्रोडक्शन का वर्क करेगी। देन नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ऑइडिया। ऑइडिया का मीनिंग क्या होता है? ऑइडिया का मीनिंग ये होता है, मान
कीजिए कोई फिलामेंट है, कोई फंगस का फिलामेंट है, तो ये फंगस के फिलामेंट में क्या होता है, एक तरह से डिविजन होने लगते हैं, और ये डिविजन के थ्रू क्या होते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या सेपरेट एक तरह से देखा जाए तो पर्ल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये पर्ल ही क्या कहलाते हैं, ऑइडियास, इनको बोला जाता है ऑइडिया, और यही ऑइडिया क्या करते हैं, यही ऑइडिया जो होते हैं इससे सेपरेट होते हैं फिलामेंट से, और नेचर में फ्री होकर ये क्या करेंगे, नए एक तरह से वेजिटेटिव पार्ट या फिर नया फंगस फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय ऑइडिया। नेक्स्ट आता है क्ले माइटोस्पोर्स के थ्रू, तो क्ले माइटोस्पोर्स में क्या होता है, क्ले माइटोस्पोर्स में जो स्पोरेंजियम होती है, उस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ये स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और फिर क्या होते हैं, ये नेचर में फ्री होते हैं, क्योंकि बर्स्ट हो जाती है, जो स्पोरेंजियम होती है वो क्या होती है, बर्स्ट होती है, और ये फ्री होकर न्यू फिलामेंट या फिर न्यू फंगस फॉर्म कर लेते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेंशियम, स्क्लेरेंशियम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जिनमें की पैड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, लॉन्ग पैड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फ्लफी स्ट्रक्चर बनती है, और यही स्ट्रक्चर क्या करती है, जर्मिनेट होकर नया फंगाई फॉर्म कर लेती है, नया फंगस फॉर्म कर लेती है, जिसको बोलते हैं स्क्लेरेंशियम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे पार्ट, क्योंकि सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। वेजिटेटिव में यही होगा कि उसी की बॉडी का एक पार्ट अलग होगा, पर वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होता है, इसलिए इसकी प्रोसेस भी जो हो गई वो अलग अलग हो गई। तो सब पे क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट ही अलग होगा, पर पार्ट क्या करता है, नया फिलामेंट फॉर्म कर लेता है फंगस का, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, फीजर हो गया, बडिंग हो गया, ऑइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, और नेक्स्ट हो गया स्क्लेरेंशियम के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे किसी प्लांट में या ट्री में सीड का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही इन फंगस में या इन फंगी में क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी जो होता है अलग अलग मेथड के थ्रू होता है, जिसको मैं फर्स्ट मेथड है स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती है फंगस की जिसमें क्या होता है स्पोरेंजियम, ये होती है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, पर ये स्पोरेंजियम जो होती है एक पर्टिकुलर साइट पर लगी होती है, ये स्पोरेंजियम जो होती है इसी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी साइटोप्लाज्म एंड जो न्यूक्लियस होता है उसके डिविजन के थ्रू ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और ये होते हैं मैच्योरिटी स्टेज में। जब कोई स्पोरेंजियम मैच्योरिटी स्टेज में होती है तो उसी का जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होकर स्पोर्स फॉर्म करता है, और यही स्पोर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पहला जो होता है ज़ूस्पोर्स होता है, एल्पिन स्पोर्स होता है। तो ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं, उनमें मूवमेंट होती है, मोटाइल टाइप के वो होते हैं, तो ज़ूस्पोर्स भी इस तरह से ही बनते हैं, वो भी कहाँ बनेंगे, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ही बनेंगे, पर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्यों मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, ज़ूस्पोर्स है तो इनमें क्या होते हैं, एक तरह से फ्लैजिला लगे होते हैं, तो ये फ्लैजिला के जो फ्लैजिला होते हैं उसके कारण ये क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। तो जितने भी ज़ूस्पोर्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या लगे होते हैं, फ्लैजिला, और इसी फ्लैजिला के थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे कि ये दूसरी जगह जाकर जर्मिनेट होते हैं और न्यू फंगस फॉर्म कर लेते हैं। एल्पिनोस्पोर में क्या होता है, वो मूवेबल नहीं होते, बनते कहाँ पर है, स्पोरेंजियम के अंदर ही बनते हैं, पर उनमें क्या डिफरेंस होते हैं कि वो चल नहीं सकते, वो एक ही जगह रहते हैं और वहीं जर्मिनेट होकर वो क्या करते हैं, न्यू फंगस फॉर्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट होता है कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया का मतलब होता है जैसे स्पोर्स बनते हैं और जैसे ओइडिया होते हैं वैसे ही कोनिडिया होते हैं। तो कोनिडिया में क्या होता है, कोनिडिया में भी जो फिलामेंट होते हैं, जो फिलामेंटस जो फंगी होती है, तो उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो फिलामेंट पर ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और यही रिंग जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है,
नेचर में फ्री होती है और फिर इनको जब अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलता है तो जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होकर ये फंगस फॉर्म कर लेती है। तो ये तो हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी क्योंकि थोड़ी लॉन्ग मेथड है वो। फिर भी मैं आपको टू मेथड इसकी बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट मेथड है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी स्टेज में क्या होता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो होते हैं गैमेट्स वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है फ्यूजन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा या मेल और फीमेल फंगस का फ्यूजन होगा जिसके थ्रू की नया फंगस फॉर्म होता है, जिसको कि हम जायगोट बोल सकते हैं क्योंकि गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो यहाँ पर अगर प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं तो दो अलग अलग जो फंगस होते हैं उनके केवल प्लाज्मा ही एक तरह से फ्यूज होंगे, कम्प्लीटली पूरा फ्यूज नहीं, फ्यूजन नहीं होता है। किसका फ्यूजन होता है, केवल साइटोप्लाज्म का ही फ्यूजन होता है। तो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनके अगर साइटोप्लाज्म का अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, जिससे कि न्यू फंगस फॉर्म होता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी में जो मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं या मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। दोनों में डिफरेंसेस है, एक में क्या फ्यूज हो रहा है साइटोप्लाज्म और दूसरे में क्या फ्यूज हो रहा है कैरियोगेमी में, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, बाकी पार्ट का फ्यूजन नहीं होता है, केवल क्या फ्यूज होते हैं न्यूक्लियस, और जिससे क्या बनता है फर्स्ट सेल जिसको हम जायगोट बोलते हैं, और यही जायगोट जो होता है आगे डेवलप होकर न्यू फंगस फॉर्म कर लेती है। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस की जो प्रोसेस होती है तो मियोसिस की प्रोसेस में मान लीजिए एक ही सेल होती है वो डिवाइड होकर दो अलग अलग गैमेट्स फॉर्म कर लेती है और इन्हीं गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो जायगोट बन जाता है। तो मियोसिस की प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, जो एक तरह से जो फंगस होती है या जो स्पोर्स होते हैं या जो गैमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो जाती है। पर इसकी मेथड्स बहुत सारी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली लर्न हो जाएगी। अगर मैं इसी के साथ आपको ये बता दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम मियोसिस बोल रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।